मैगी डालेंगे। तो गाइस अभी हम इसे कुक होने तक इंतजार करेंगे। अभी हम इसे कुक कर लेते फटाफट। अभी हमने देखिए गाइस एकदम अच्छे से कुक हो चुका है। तो इसमें थोड़ा सा हमने ग्रेवी डालने के लिए, ग्रेवी भी हमें डालना नहीं, एकदम सूखा रखना है। तो ग्रेवी डालने के लिए हमने थोड़ा सा इसमें पानी डाला था। तो आप देख सकते हैं कैसा बन गया। ये तो मैं आपको पूरा नहीं दिखाऊंगी, बना वीडियो बहुत लंबी तो बना ही ली थी मैंने आपको अभी कुछ देर पहले ही दिखाई। मैगी तो हमने बना लिया, अब उससे बॉल्स कैसे बनाना मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम लोग ले लेंगे कट्स, चॉप्ड कैबेज, चॉप्ड कैप्सिकम, चॉप्ड ओनियन और चॉप्ड कैरेट हम ले लेंगे। ये सब अब हमें इसे थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालना है। सबसे पहले मैं इसे चॉप्ड कैबेज डाल दूंगी, फिर चॉप्ड कैप्सिकम मैं इसमें डाल दूंगी, फिर चॉप्ड अनियन मैं इसे डाल दूंगी, फिर हम चॉप्ड कैरेट्स ले लेंगे थोड़ा सा, और सबसे स्पेशल मसाला हमारा रहता है चाट मसाला। तो आपको चाट मसाला अगर पसंद है तो आप चाट मसाला। ये हमारा हो गया, अब मैगी डाल देंगे हम लोग। तो अब हमने मैगी मिक्स कर दी है, अब हम लोग फ्लोर डालेंगे। तो फ्लोर हम ले लेते हैं, फ्लोर ये रहा फ्लोर, आपको व्हीट फ्लोर ले लेना है। और व्हीट फ्लोर ले लिया हमने, सॉरी राइस फ्लोर ले लिया हमने, व्हीट नहीं राइस फ्लोर। तो अभी से हम अच्छी तरीके से, एकदम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हमने इसे हाथ से मिक्स करना पड़ेगा अच्छे से। तो एकदम इसे परफेक्टली आपको मिक्स कर लेना एकदम अच्छी तरीके से, तभी आप राइस बॉल एकदम अच्छी तरीके से बना पाओगे। तो गैस अगर आपको जरूरत पड़े तो आप एक चम्मच पानी भी ले सकते हो, तो मैं एक चम्मच पानी ले लेती हूँ। इसे एकदम परफेक्टली हम लोग इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, ताकि हम लोग इसका मैगी बॉल्स बना के डाल दिया है। अब ये हमारा ये ब्रेड क्रम्स का हमने किया, अब ये ब्रेड क्रम्स रहा तो मैं फटाफट इसे ब्रेड क्रम्स से एकदम कवर कर देती हूँ। और एक ब्रेड क्रम्स के साथ रखेंगे, एक क्रम्स के बिना भी रखेंगे, टेस्ट करेंगे दोनों में से कौन अच्छा है। ये बहुत ही इजी, आप तुरंत बना सकते हो, तो प्लीज घर पे जरूर बताना। अगर बनाया हो तो कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये कैसा लगा। मैं होप करती हूँ बहुत अच्छा लगे, क्योंकि पहले ही ऐसे देखने में बहुत टेस्टी लग रहा है। असल में जब ये पूरा रेडी हो जाएगा तब कितना मस्त। तो गाइस मैंने ये डाल दिया है, देखिए हमारा दो बच्चा हुआ है, मैंने अभी वीडियो बनाना भूल गई और डाल दिया। तो गाइस अगर आप बच्चे हो तो प्लीज पेरेंट्स की नजर में जरूर बनाना। और ये हमारा एकदम स्लो आज पे हम लोग एकदम अच्छे से कुक करेंगे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसे कैसा लगता है जब ओवर पूरा कुक्ड हो जाता है। यहाँ पे ये मैंने पहले से ब्रेड क्रम्स वाला मैंने करके रखा हुआ है, और अब मैं बिना ब्रेड क्रम्स के भी डाल देती हूँ एक अच्छे से फटाफट। तो गाइज ये हमारा मैगी बॉल बन चुका है। आपको
भूख लगेगा, चलो दीदी से स्नैक्स मांगेंगे। जरूर बेटों को भूख लगेगी क्योंकि वो हर साल मांगता है कुछ ना कुछ नया। तो अभी जाती हूँ उसे टेस्ट कराती हूँ और उसे भूख भी लगेगी, तो मैं उसे ये स्नैक्स भी दे दूंगी और पूछ भी लूंगी कैसा है। दीदी दीदी आप आ जाओ, मुझे तो स्नैक्स दो ना यार, अभी भूख लगेगी। तो मैं भूख लगी है, मैं तुम्हारे लिए स्नैक्स लेकर आई थी। ये लो मेरा राइस नहीं सॉरी मैगी बोल्स मैंने तुम्हारे लिए बनाया, तुम्हें भूख लग रही थी ना इसीलिए। तो अभी फटाफट खा के बताओ कैसा बना है। काफी ज्यादा टेस्टी बनाया, काफी ज्यादा टेस्टी, मुझे एक और खाना है। मैं पूरा खाया, ठीक है वो खा लिया। अब ये खा के बताइए तुम्हें कैसा लगा, फटाफट खाओ ना, मुझे पूछना है तुमसे। इसे गाइस ये वाला तो बहुत ही अच्छा लगा, अब फटाफट ये खा के बताएगा कि इसे कैसा लगा है। काफी ज्यादा टेस्टी है, ये और भी टेस्टी लगा, ये तो उससे भी ज्यादा टेस्टी है। चलो अब हम भी हम खाते हैं। मैं ये वाला खाती हूँ, ठीक है। अब ये मैंने ब्रेड क्रम्स वाला लिया और अब मैं एक बाइट लेती हूँ। गाइस काफी टेस्टी है, आप घर पे जरूर ट्राई करना। अब ये तो खाया, अब मैं साइड वाला भी खाती हूँ। साइड वाला भी खा, साइड वाला ये बिना ब्रेड क्रम्स का मैगी बॉल्स। ये भी काफी ज्यादा टेस्टी है, आप इसे जरूर ट्राई करना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक दबाना, सब्सक्राइब दबाना और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।